कलेशा, आप सबका स्वागत है। मैं भजन संहिता 150 में से पढ़ना चाहूँगी। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वाणी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सबके सब यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। हमें रहते और प्रभु की स्तुति आराधना करते। प्रभु तेरा धन्यवाद इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु मांगते हैं कि आप जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें प्रभु, कि तुझे सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर मिले प्रभु, क्योंकि सिर्फ तू उसके योग्य है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तू हमें तेरी उपस्थिति में आने की अनुमति देता है प्रभु। धन्यवाद कि हम तेरी स्तुति आराधना कर सकते हैं। मांगते हैं प्रभु कि तू आज ऊंचा उठे प्रभु, तेरे नाम में मांगती हूँ। Thank you.
प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तू हमें तेरी स्तुति आराधना करने देता है प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे साथ है प्रभु, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, मांगते हैं कि जैसे हम तेरे वचनों को सुने प्रभु कि तू हमें अपने वचनों से सिखाएगा प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमसे बातें करे प्रभु, कि तू हमें बदल दे प्रभु और अपने जैसा बना प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरे नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय कलीसिया, आप सबको मैं हमारे जीवित खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबको मैं आज की आराधना में आपको मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे, आप जहां कहीं से भी वीडियो के जरिए आज की सेवा में आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रभु ने हम सबको अभी तक अपनी सामर्थ्य हाथ से पकड़कर अपनी बाहों में छुपाकर हम सबको अभी तक संभाल के रखे हैं, अच्छा स्वस्थ दिए हैं, इसलिए प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। मेरे प्रिय कलीसिया, हम देखते हैं बहुत सारे चीज आज बदल रहा है, बहुत सारे परिस्थिति हम देख रहे हैं, बहुत सारे मुसीबत से हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हम देख रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे ख्यालों में सोचते होंगे शायद प्रभु भी बदल गए होंगे, शायद प्रभु हम सबको भूल गए होंगे, लेकिन मैं प्रभु के वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि इब्रियानी की किताब में उसका 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग वो एक सा है। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया कभी बदलता नहीं है, वो एक समान है, वो एक सा है, इसलिए प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। प्रिय कलीसिया, मैं प्रभु का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि प्रभु ने फिर से आप लोगों के बीच में कुछ वचन को लेकर आने के लिए सहायता किया, इसलिए प्रभु की महिमा होने पाए। प्रिय कलीसिया, आइए हम आज की वचन को हम सीखेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे और अपने आप को देखेंगे प्रभु के वचन के द्वारा, और अपने आप को हम तैयार करेंगे वचनों के द्वारा। आइए हम वचन से जाने से पहले हम लोग अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने शरीर को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के लिए, आपने बहुत ही अच्छा समय दिया है प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, ताकि हम शारीरिक रीत से बहुत दूर है, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा से, पवित्र आत्मा की शक्ति से आपने हम सबको इकट्ठा किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय में जो वचन को हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तू हमको सहायता कर, मदद कर प्रभु, और प्रभु तेरी वचन से में हमको गहरे बातें आज सीखने के लिए सहायता कर प्रभु। बे हर एक मन, हर एक दिल को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, मेरे जीवन को भी आपके हाथों में सौंपता हूं, तू मदद कर प्रभु, और कलीसिया के लिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए जो भी बात प्रभु हमको सीखने की जरूरत है प्रभु, उसको तू प्रकट कर प्रभु। पवित्र आत्मा तू शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे जीवित खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।
प्रियो कलिसिया, आप सबको शायद याद होगा कि मेरा जो पिछले हफ्ते का वचन था, मैं एक आराधना के विषय में, वर्शिप के बारे में आप लोगों को बताया था। और हमने देखा था कि प्रभु इस जगत से एक सच्चा आराधक को वो ढूंढते हैं, जो कि सच्चे दिल और सच्चे मन से और एक पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु की आराधना करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि हम जब प्रभु की आराधना में करने के लिए आते हैं, प्रभु की वर्शिप करने के लिए आते हैं, तो हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर और पवित्र आत्मा से गाइडेंस पाकर, पर पवित्र आत्मा से अगुवाई होकर हम प्रभु की आराधना करना चाहिए। कभी कभी हमारा जीवन में अपने ज्ञान के ऊपर हम आधारित रहते हैं, कभी कभी हम अपने टैलेंट के ऊपर, प्रतिभा के ऊपर हम निर्भर करते हैं। लेकिन एक समय जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर हम देखेंगे कि सिर्फ जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और जो सच्चे दिल में प्रभु की आराधना करने वाले, वो उनका जगह होगा। मेरे प्रभु कलिसिया, इसलिए मैं वही वर्शिप के बारे में कुछ बातें आज कुछ आपको सिखाने के लिए मैं चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, हम सब मिलकर सीखेंगे कि एक सच्चा आराधना क्या होता है, ट्रू वर्शिप क्या होता है, एक आत्मिक आराधना क्या होता है। मेरे प्रभु कलिसिया, हम आज का शीर्षक है कि आत्मिक आराधना, और भी आप समझेंगे कि एक सच्चा आराधना क्या होता है, व्हाट इज द ट्रू वर्शिप बिफोर द आईज ऑफ गॉड, परमेश्वर की नजर में एक सच्चा आराधना क्या होता है। मेरे प्रिय कलिसिया, में जो बातें आप सबको पिछले हफ्ते में बताया था, उसको भी मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं ताकि आप उसको अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। उससे पहले हम आज की जो विषय है, जो वचन से हम सीखेंगे, आप मेरे साथ खोल सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका एक वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रेशा लिखा हुआ है, फिर से मैं आप सबको रिपीट करना चाहता हूं कि रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन, रोमन्स चैप्टर 12:1, यहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित करें। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि देयरफॉर आई अर्ज यू ब्रदर्स इन व्यू ऑफ गॉड्स मर्सी टू ऑफर योर बॉडी एज लिविंग सैक्रिफाइस होली एंड प्लीजिंग टू गॉड, दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। हम देखते हैं यहां पर कि ये रोमियो की कलिसिया के लिए साधु जो पॉल था, वो एक पत्र लिख रहे हैं, और यहां पर वो एक आत्मिक आराधना का मतलब क्या होता है उसको वो समझा रहे हैं। मेरे प्रिय कलिसिया, इस वचन को हम थोड़ा और ज्यादा गहरे तक जाने से पहले, मैं आप सबको जो पिछले हफ्ते में हमने सीखा था उसको मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं। हमने सीखा था कि जब हम प्रभु की
आराधक बन जाते हैं, एक साक्षा आराधक बन जाते हैं और एक पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या चीजें, क्या क्या विषय हमारे जीवन में घटती है, क्या क्या विषय हमारे जीवन में हम पाते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, कि प्रभु मैं आप सबको बताया था कि लास्ट वचन में पिछले हफ्ते में कि प्रभु हम सबको एक ही मकसद के लिए वो बनाया है, ताकि हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। वो एक ही मकसद है, ताहे हम चाहे हम काम करें, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम पासवान बने, चाहे हम जो भी काम करें, हम हमारा जीवन का पहला मकसद होना कि मैं प्रभु की आराधना करना चाहिए, मैं एक सच्चा आराधक प्रभु के लिए बनना चाहिए। तो ये प्रभु का मार्ग है, ये प्रभु का इच्छा कि हम सब लोग, जितने भी हम प्रभु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम सब एक सच्चा आराधक बनना चाहिए। तो मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं कि जब हम सच्चे आराधक बन जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बातें हम पाते हैं। पहला विषय मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो पहला हमारा जीवन में जो शारीरिक बंधन है वो टूट जाता है। तो द ट्रू वर्शिप ब्रेक्स द फिजिकल बॉन्डेजेस ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन में जो शारीरिक बंधन है, बीमार है, कुछ परेशानियां है, जब हम सच्चे दिल से और आत्मा से भरपूर होकर प्रभु की आराधना करते हैं तो वो शारीरिक बंधन टूट जाता है। दूसरा विषय, वर्शिप ब्रिंग्स मिरेकल्स। दूसरा विषय है कि सच्चा आराधना हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। मैं आप सबको बताया था कि कैसे पॉल और साइलेस वो लोग बंधन में थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कैसे उनका शरीर में जो बंधन था उनको वो छुड़ाया, वो वहां पर उनको छुटकारा दिया। तो दूसरा विषय है कि जब हम आराधना करते हैं सच्चे दिल और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, तो हमारे जीवन में मिराकल आता है, आश्चर्य कार्य प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। मैं तीसरा विषय बताना चाहता हूं, वो है वर्शिप ब्रेक स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस। तो सच्चा आराधना वो आत्मिक जीवन का जो बंधन है उसमें से हमको छुड़ाता है। जो बंधन शैतान ने हमारे जीवन में रखा है, वो बंधन से हमको मुक्ति मिल जाता है। चौथा विषय मैं आपको बताया था कि वर्शिप ब्रिंग्स विक्ट्री इन आवर लाइफ। कि चौथा विषय है, अगर हम सच्चे दिल से और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आराधना करते तो क्या होता है, हमारे जीवन में हम जयवंत होता है, हमारे जीवन में हम जय पाते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, पांचवा विषय है वर्शिप कास्ट आउट ईविल स्पिरिट। सच्चा आराधना हम जब करते हैं तो दुष्ट आत्मा को वो भगाता है। जब हम सच्चे आराधक बन जाते हैं तो हमारे सामने दुष्ट आत्मा वो टिक नहीं पाते हैं। हम देखा था कि शाऊल के जीवन में जब दुष्ट आत्मा उनके शरीर में आ रहे थे, लेकिन जब दाऊद अपना वीणा लेकर वो बजा रहे थे और प्रभु की आराधना कर रहे थे, वो दुष्ट आत्मा शाऊल को वो छोड़ के उसके शरीर से भाग जाता है। मेरे प्रिय कलीसिया, ये बातें हम पिछले हफ्ते में सीखे थे। तो प्रिय कलीसिया, हम आज वो एक आत्मिक आराधना, मतलब एक ईश्वर की, परमेश्वर की नजर से आत्मिक आराधना का मतलब क्या है, वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रू वर्शिप, वो सच्चे और आत्मा से भरपूर होना और आराधना करने का मतलब क्या है, प्रभु की दृष्टिकोण से कैसी आराधना को प्रभु ने सही ठहरा रहे, हम उस बातें को थोड़ा हम सीखेंगे और हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे।
आइए प्रियो कलीसिया, हम एक आत्मिक आराधना का मतलब क्या होता है, परमेश्वर की नजर में एक सच्चा आराधना का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा गहरे रूप से हम उसको सीखेंगे, ताकि ये एक बहुत ही गहरी बात है। प्रभु पवित्र आत्मा हमको सहायता करे, अगुवाई करे, हम सबको ये सच्चाई को जानने के लिए सहायता करे। मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को कि सरल रीति से आपको मैं समझा पाऊं, ताकि आप लोग समझे कि असली में हम कैसे एक सच्चा आराधक बनेंगे, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए ताकि हम एक सच्चा आराधक बन पाए। प्रिय कलीसिया, उसी वचन को मैं थोड़ा और पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की किताब उसका 12 का एक वचन यहां पर लिखा हुआ है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो कलीसिया, हम यहां पर देखते ही पौलुस वो रमियों की लोगों को, रमियों की कलीसिया को बता रहे कि एक सच्चा आत्मिक आराधना का सही अर्थ क्या होता है, सही अर्थ क्या हम समझता है यहां पर। मेरे प्रो कलीसिया, वो यहां पर वचन में लिखा हुआ है, जब हम अपने शरीर को प्रभु के सामने, प्रभु के लिए हम जीवित बलिदान करते हैं। मेरे प्रियो कलीसिया, पुरातन नियम में बहुत ही ऐसे 5 प्रकार की बलिदान था, और अभी भी हम देखते हैं दूसरे दूसरे धर्म के लोग वो अभी भी बलिदान करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। परमेश्वर की वचन हमको ये सिखाता है आज, वो बलि हमको नहीं करना है। कोई बकरी का बलि मुझे जरूरत नहीं है, कोई जानवर की, कोई पक्षियों की बलि मुझे जरूरत नहीं है, ताकि तुम अपने आप को, अपने शरीर को क्या करो, मेरे लिए एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। मेरे प्रियो कलीसिया, ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की नया नियम में, हम नया नियम कलीसिया में है, तो ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपना शरीर को हम जीवित बलिदान करें। इसका मतलब हमको अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के लिए कुर्बान करें, प्रभु के लिए अपने आप को सौंपे, पूरी तरह से सौंपे अपने शरीर को, अपने शरीर की अभिलाषा को हम छोड़े, हमारे शरीर की कामना को हम छोड़े और अपने शरीर को हम जीवित बलिदान करें। इसका मतलब जब हम कलीसिया में आते हैं, कभी कभी हमारा आराधना लगता नहीं कि हम जीवित हैं। मैं प्रभु की अनुग्रह से जब मैं उड़ीसा में था, बहुत बड़े बड़े कलीसिया में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मौका दिया प्रभु के वचन के बोलने के लिए। जब मैं बहुत बड़े बड़े चर्च में जाता था, देख रहा था कि बहुत लोग आते हैं, ताली नहीं बजता है, आवाज नहीं निकलता है, कोई गीत भी नहीं गाते हैं, सिर्फ कोयर लोग गाते हैं, और जो ऑडियंस बैठते हैं उनको गीत भी नहीं पता है, बगल में कौन बैठा है उनको नहीं पता है, उनकी शरीर लगता है जैसे कि आप एक कब्रस्तान में आए। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। अगर प्रभु ने हमको अच्छा गला दिया है, अगर प्रभु ने हमको अच्छा शरीर दिया है, तो हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, जीवित, जैसे हम जीवित हैं ऐसा हम आराधना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जीवित खुदा है, वो
मुर्दा खुदा नहीं है, वो मारा नहीं है, वो जीविता खुदा है। इसलिए मेरे प्रिय कलीसिया, यहाँ पर पौलुस ने बहुत ही स्पष्ट रीति से बता रहे हैं हम सबको वचन के द्वारा कि हम अपनी शरीर को जीवित बलिदान करें। इसका मतलब अपने आप को प्रभु को दो देना है। कैसे देना है? पवित्र और परमेश्वर के नजर में भापता हुआ बलिदान, भापता हुआ अपने आप को हम बलिदान करें, अपने आप को हम प्रभु में चढ़ाए। मेरे प्रिय कलीसिया, अगर हम बिना पवित्र होते हुए प्रभु की आराधना करेंगे, शायद हम हजारों गाने गाएंगे, लेकिन वो आराधना, वो गाने को प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमारा जीवन में पवित्रता नहीं है, अगर हमारा शरीर में पवित्रता नहीं है, मेरे प्रिय कलीसिया, ये बहुत ही मुश्किल है शरीर को पवित्र रखना, शरीर को संभाल के रखना, शरीर को संयम से रखना बहुत ही कठिन बात है। कब आसान होगा? जब पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर पाएंगे, तभी ये आसान हो सकता है। मेरे प्रिय कलीसिया, जब हम देखते हैं दुनिया में 65 का उम्र का जो बूढ़ा है, जो बुजुर्ग है, वो छोटे 10 साल की बेटी को वो खराब नजर से, खराब काम उनके साथ कर रहे हैं। क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे लिए, मतलब अपना शरीर को पवित्र रखना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आते हैं, चुनौती आते हैं, हम अपने शरीर को कैसे पवित्र करें? मेरे प्रिय कलीसिया, ये एक सच्चा आराधना का मतलब होता है, एक आत्मिक आराधना का मतलब है। जब हम अपने शरीर को जीवित और अपने शरीर को हम पवित्र और अपने शरीर को हम क्या करते हैं, प्रभु के भावता हुआ, प्रभु को जैसा पसंद है ऐसा जीने हम लगते हैं अपने शरीर में, तो प्रभु की दृष्टि से वो क्या होता है, एक अच्छा, एक सही बलिदान, सही आराधना को दर्शाता है। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीष दे। हम देखेंगे कि पुरातन नियम में, उत्पत्ति में दोनों ने बलि चढ़ाए, केन और हेबल ने। मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं आपकी उत्साहित के लिए कि वहां पर क्या घटना घटी, हम थोड़ा देखेंगे। हाँ, यहां पर लिखा हुआ है कि मैं उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 3, 4 और 5 आयदों को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कोई एक पहलाठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हेबल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मेरे प्रिय कलीसिया, अगर इस वचन को आप थोड़ा गहरे रीति से पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हेबल और उसकी बलिदान को ग्रहण किया, और नीचे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने केन और उसकी बलि को ठुकराया, मतलब ग्रहण नहीं किया।
यहाँ पर हमको एक सीखने का बात सीखने का सच्चाई है, बात है यहाँ पर कि परमेश्वर ने हमारा बलि को ग्रहण करने से पहले वो हमको ग्रहण करते हैं। यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले हेबल को ग्रहण किया, क्योंकि हेबल का जीवन परमेश्वर की नजर से सही था, क्योंकि हेबल का जीवन परमेश्वर की नजर में पवित्र था, इसीलिए परमेश्वर ने पहले हेबल को ग्रहण किया, उसके बाद उसकी बलि को ग्रहण किया। मेरे प्रियो कलीसिया, हम देखते हैं कैन का जीवन वो पवित्र नहीं था, वो कैन का जीवन वो विश्वास से भरा जीवन नहीं था, वो कैन का जो मार्ग था वो दुष्ट का मार्ग था, इसलिए परमेश्वर ने कैन को रिजेक्ट किया, कैन को पहले ठुकराया, उसके बाद उसका बलि को वो ठुकरा दिया। मेरे प्रियो कलीसिया, हम ये बात को समझना जरूरी है कि प्रभु हमारा परमेश्वर हमारा भेंट को ग्रहण करने से पहले वो हमको ग्रहण करना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट लॉर्ड आस, देन यू एक्सेप्ट अवर ऑफरिंग्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम खराब जीवन जी रहे हैं, अगर हम खराब कार्य कर रहे हैं और हम बलि को चढ़ा रहे हैं, प्रभु वो बलि को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पौलुस ने यहां पर बोलते हैं कि एक पवित्र जीवन जियो, एक अपनी शरीर को आप पवित्र रखो, पवित्र बनाओ और जीवित बलिदान करो, प्रभु की नजर से एक सच्चे एक बेहतर जीवन जियो और अपने शरीर को तुम यज्ञ ठहराओ। मेरे प्रिय कलीसिया, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर हम कलीसिया में कुछ लोग बैठे होंगे और कुछ पार्टियां, मतलब कुछ पार्टी चलता होगा वहां पर, और एक बुजुर्ग लोग आएगा, लगभग सोचिए कि 55 और 60 साल का, और उनका बाल बहुत ही खराब होगा, वो लगभग 2-3 महीना ब्रश नहीं किया होगा, और यहाँ पर दाढ़ी, मतलब यहां तक उनका लंबाई बढ़ गया है दाढ़ी का, और उसकी मुंह से बद्दू आ रहा है, और क्या करता है वो एक खराब वस्त्र को पहन के आया है, और अपने हाथों में वो कुछ अच्छे चीज को वो लड्डू, समझिए लड्डू को वो पकड़ कर आके सबको देने के लिए शुरू किया है, और वो जब देते हैं बहुत लोग हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो देने वाला है वो खराब है, जो देता है वो चीज खराब नहीं है, जो लड्डू दे रहे हैं वो लड्डू खराब नहीं हुआ है, लेकिन जो दे रहे हैं उनका जीवन सही नहीं है। ठीक इसी तरह मेरे प्रिय कलीसिया, परमेश्वर हम क्या उसको देते हैं, क्या बलि चढ़ाते हैं, उससे पहले हमारा जीवन कैसा है वो उसको देखते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीषित करे। ये बातें हम सीखना जरूरी है कि परमेश्वर की नजर में हमें पवित्र शरीर एक रखना है, हमारा शरीर को पवित्र रखना है, ताकि हम जो बलि चढ़ाए उसको वो ग्रहण करे। अगर हम उस आदमी के जैसा जीवन जिए, अच्छा जीवन नहीं होगा, लेकिन हम अच्छे वस्तु प्रभु को देने के लिए कोशिश करेंगे, वो कभी ग्रहण नहीं करेंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, ये बातें हमको बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि ये है सच्चे आराधना का मतलब है, ये है आत्मिक आराधना का मतलब है।
मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हमको सहायता करे कि आने वाले दिनों में अपने शरीर को हम पवित्र बनाए, अपने शरीर को हम परमेश्वर की नजर में यज्ञ ठहराए और अपने शरीर में हम एक जीवित बलिदान प्रभु के लिए चढ़ाए, ताकि वो प्रभु की नजर में एक आत्मिक आराधना और एक सच्चे आराधना होने पाए। तो हम देख रहे थे कि हमारा शरीर को क्यों पवित्र रखना है, हमारे जीवन में पवित्रता का जरूरत क्या है, क्यों पौलुस ने यहां पर वो बता रहे हैं रोमियो की कलीसिया को, हम सबको, कि अपने शरीर को तुम पवित्र रखो और अपने शरीर को पवित्र रख के प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने बलिदान करो, बलि चढ़ाओ। मेरे प्रिय कलीसिया, हमको बहुत ही स्पष्ट रीति से जानना जरूरी है कि पहला करिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में एक लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं आपके लिए कि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बास करता है। मैं 17 वचन थोड़ा भी पढ़ना चाहता हूं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रिय कलीसिया, इसलिए हम अपने शरीर को पवित्र रखना है, क्योंकि ये शरीर पवित्र मंदिर है, हमारा परमेश्वर की दिया हुआ एक पवित्र मंदिर है। परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर बास करते हैं। मैं बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को देखा है, वो अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। कैसे अशुद्ध करते हैं? चर्च में जाते हैं, 50-60 साल वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन परिवार में वो लोग जन्मा हुआ है, फिर भी उनके जीवन में वो नशा करते हैं, वो शराब पीते हैं, वो गुटखा खाते हैं, वो खराब चीज अपने शरीर में करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो ये सब बातें क्या है? अपने शरीर को हम नष्ट करते हैं। यहां पर परमेश्वर ने बोल रहे हैं कि अपने वचन में, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरे प्रिय कलीसिया, ये बहुत ही गहरे बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम अपने शरीर को पवित्र रखना चाहिए। मेरे प्रिय कलीसिया, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर वास करते हैं, पवित्र आत्मा वास करते हैं, ये उनका मंदिर है। मेरे प्रिय कलीसिया, इसलिए जब हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की नजर में भापता हुआ बलि चढ़ा रहे, अपने शरीर को बड़ा बलि चढ़ा रहे, खुद को बलि चढ़ा रहे, तो वो एक आत्मिक आराधना को दर्शाता है। मेरे प्रिय कलीसिया, हम कितने गाने गाएं, कितनी प्रार्थना करें, कितनी आराधना करें, अगर हमारा शरीर पवित्र नहीं है तो शायद प्रभु वो आराधना को, प्रभु वो गीत को, प्रभु वो दशमांश को, शायद वो प्रभु अपनी दान को, हमारे दान को वो नहीं ग्रहण करेंगे। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक बुजुर्ग आदमी जब वो लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन उनका शरीर गंदगी से भरा हुआ है। मेरे प्रिय कलीसिया, आज मैं आप सबको, मुझको भी मैं चुनौती देना चाहता हूं कि हम पवित्र बने, अपने शरीर को हम पवित्र बनाएं।
अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से नहीं हो पाएगा। अपने आप को हम प्रभु के चरणों में हर दिन सौंपे, हर दिन पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में मांगे प्रभु को, वो हमको सहायता करे ताकि हम एक अच्छा, एक परमेश्वर की नजर से आत्मिक वर्शिप, आत्मिक आराधना को हम प्रभु के चरण में, प्रभु के सामने हम करने पाए। मैं और एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम आज की वचन को हम बंद करेंगे। अगर प्रभु का इच्छा होगा तो मैं और कुछ बातें अगले दिनों में की वर्शिप के बारे में, आराधना के बारे में और कुछ गहरे बातें हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा अंतिम एक वचन है, वो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 23वां वचन में हम पढ़ेंगे। 1 Thessalonians 5:23 यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। मेरे प्रियो कलीसिया, ये जो शरीर प्रभु ने हमको दिया है, जो प्राण, जो आत्मा प्रभु ने हमको दिया है, उसको हमको पवित्र रखना है, निर्दोष रखना है। कब तक पवित्र रखना है? जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, जब तक हम बादलों में उनको नहीं भेटते हैं, तब तक अपने शरीर को, देह को यहां पर लिखा है, बॉडी स्पेसिफिकली यहां पर लिखा है, अपना देह को कैसे रखना है? पवित्र रखना है और निर्दोष और सुरक्षित हम रखना है। मेरे प्रिय कलीसिया, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमारा जीवन हम जीने पाए, तो हम ये शरीर को एक पवित्र मंदिर हम बना के प्रभु की आगमन तक हम रख पाएंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीष दे। तो हमने देखा कि पौलुस वो हमको अपने वचन के द्वारा वो बता रहे कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और प्रभु की नजर से भापता हुआ अपने आप को बलि चढ़ाओ। ये परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर की नजर में एक आत्मिक आराधना, इट इज द एक्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्शिप। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीष दे। मैं जब ये आराधना के बारे में, वर्शिप के बारे में सीख रहा था, प्रभु मुझको बता रहे थे कि हम इस वचन को, इस विषय को हम और भी थोड़ा आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि वर्शिप में क्या क्या होता है, कैसे हमको आराधना करना है, क्या क्या भाग होता है आराधना में, वो सब हम सीखेंगे। प्रभु कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु की नजर में हम एक सच्चे और आत्मा से पवित्र आत्मा से भरपूर एक सच्चे आराधक होने पाए। ये मेरी दुआ है, ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। प्रभु हम सबको इस छोटी सी वचन के द्वारा आशीषित करें और उनकी आगमन तक अपने शरीर को, ताकि जब तक हम जिए इस धरती में, अपने शरीर को हम पवित्र रखने की सहायता करें, अपने शरीर को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हुए अपना जीवन को, आने वाले दिनों को हम बिताएं। प्रभु हम सबको आशीषित करें, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छा समय दिया प्रभु आपके वचन के द्वारा सीखने के लिए, इसलिए
आपके हम आभारी हैं प्रभु, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु। हमारे जीवन में, हमारा शरीर में बहुत सारे खराब चीज हम लोग कर रहे हैं, तो हमको सहायता कर प्रभु। प्रभु आपने हमको इसलिए बुलाया कि ताकि हम पवित्र बने, ताकि हम यज्ञ बने प्रभु तेरी नजर में। प्रभु तू सहायता कर, कलीसिया के हर एक जन को प्रभु तू आशीषित कर, जो भी ये वीडियो आने वाले दिनों में दिखेंगे प्रभु, देखेंगे उन सबको भी आशीषित कर प्रभु। मुझको आशीषित कर प्रभु, हमारे परिवार को आशीषित कर, मेरी आप प्रभु चर्च की कलीसिया की प्रभु जो युवाएं हैं प्रभु यूथ से, उन सबको आशीषित कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष करे, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शांति और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति
हम साथ साथ बने रहे और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमेन।